नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी गर्म हवाएं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हाँ, क्या कुछ खास रह सकता है देश के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, क्या खास गतिविधि दर्ज की जाएगी। और पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ इक्का दुक्का स्थानों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें तो बिजली चमकने के साथ ही यहाँ पे तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से असम की भी अगर हम बात करें तो छिटपुट स्थानों पर यहां भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए नागालैंड की तो कहीं कहीं यहां भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। और आखिर में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो आप बता दें छिटपुट हिस्सों में यहाँ भी गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं गर्मी अपडेट पर। जो यहाँ गर्म हवाओं की जो स्थिति है वो क्या कुछ रह सकती है, कहाँ कहाँ पे जो अनुमान है वो जताया गया है, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अधिकतर जगह हरा रंग है, यानी इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जो है जारी नहीं की गई है, गर्म हवाओं का अनुमान नहीं है। लेकिन नज़र बनाए रखने की जो बात कही गई है, जो गर्म हवाएँ चल सकती हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर पश्चिमी राजस्थान, तो इन जगहों पर गर्म हवाओं का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगहों, इन तीनों राज्यों में अलग अलग जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर भी, और किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, इस मैप के जरिए आपको बताते हैं। और हरा रंग जहां जहां इस बात का सूचक, इन क्षेत्रों में कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर पहले बात करें तो यहां पे अधिकतर जगह जोरदार बारिश या भारी बारिश और उसके साथ साथ मूसलाधार बारिश जो है वो अलग अलग राज्यों में दर्ज की जाएगी। जबकि अगर हम बात करते हैं बिहार की, इसके साथ साथ झारखंड और यहां पे ओडिशा की बात की जाए तो यहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां भी लगभग यही स्थिति दर्ज की जाएगी। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से यहां पे आप देख सकते हैं तेलंगाना की स्थिति, तो यहां भी लगभग बिजली चमकने के साथ ही जो तेज हवाएं हैं उनकी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, यानी गरज चमक की जो स्थिति है वो जरूर बनते हुए नजर आएगी अलग अलग राज्यों में। लेकिन अगर बात की जाए बारिश की क्या स्थिति होगी वो जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में हम, यानी अलग अलग क्षेत्रों पे जो बारिश का अनुमान है वो क्या जताया गया है। उत्तर पश्चिम भारत की आइए पहले बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि पंजाब की हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में कहीं भी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में ज़रूर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्वी भारत में अगर हम पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, तो अधिकतर जगह बारिश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, साथ ही उपमंडल पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, तो बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होगी और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल, जहां कई जगह बारिश का अनुमान है और इसके साथ कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पे कहीं कहीं बारिश हो सकती है, इस तरह का जो अनुमान है वो फिलहाल दक्षिण भारत के लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब बात कर लेते हैं मध्य भारत की, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में ज़रूर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि जो शेष राज्य हैं वो पूरी तरीके से वहाँ बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यानी राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात करें या फिर गोवा की बात की जाए, कोंकण गोवा में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि है जो दर्ज की गई है मौसम में, उसकी जानकारी आपको दे दें। और आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर जो बारिश की स्थिति है वो बनते नजर आई है उत्तर पश्चिम भारत में, फिर चाहे हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी बारिश की स्थिति कुछ एक जगह दर्ज की गई, पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी, उसके साथ साथ तेज हवाएं भी लगातार दर्ज की गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगह बारिश हुई, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और वहीं राजस्थान में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए तो लगातार बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। गांगेय पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग ऐसी स्थिति रही, तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार जो बारिश का दौर है वो अभी भी जारी है, यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश के साथ साथ
जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। हालांकि भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश है वो कहीं कहीं दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कहीं कहीं जो बारिश है वो भी यहाँ दर्ज की गई। इसके साथ साथ विदर्भ में भी आप देख सकते हैं और ख़ासतौर से गुजरात की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने किस तरह के जो परिस्थितियां हैं वो फिलहाल बनते हुए नज़र आई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान ही। लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव हमें नज़र आ रहा है, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव है यानी तापमान का जो हाल है वो आपको बता देते हैं। और पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। जो यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। गिरावट जो है वो यहाँ तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं खासतौर से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में इन राज्यों के। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इजाफा दर्ज किया गया है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया। और पिछले दिनों गर्म हवाओं की स्थिति भी हमने यहाँ पर देखी थी। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर तटीय कर्नाटक की, तेलंगाना की हम बात करें, रायलसीमा की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी यहाँ भी एक इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में। अब बात करते हैं जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें क्या स्थिति रही है। गुजरात की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, विदर्भ की बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक कमी जो है, गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और जबकि अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में खासतौर से रेंटचितला जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है जो पारा है, सबसे अधिक ये तापमान दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहां दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि अगर बात करें खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की तो आप देख सकते हैं यहां करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान की स्थिति में, यानी ये ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ही स्थिति नज़र आ रही है। सौराष्ट्र कच्छ की भी अगर बात करें तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की, आप देख सकते हैं बिहार के मोतिहारी में दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस जो कि सबसे कम दर्ज किया गया है 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, आइए इसके लिए भी नज़र डाल लेते हैं।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आके बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कौन सी श्रेणी के अंतर्गत स्थिति दर्ज हुई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 177 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी जो है वो यहाँ दर्ज की गई है। बेंगलुरु में भी आप देख सकते हैं 114 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। तो पुणे में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी नजर आई, 110 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक यहां पर। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां भी 116 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी जो है उसके अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। तो कोलकाता में भी संतोषजनक श्रेणी नजर आई, 133 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक। हालांकि मुंबई की अगर हम बात करें तो 81 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं यहां भी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत नजर आई, 84 दर्ज किया गया यहां पे गुणवत्ता सूचकांक। जबकि लखनऊ की अगर हम बात करें 169 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। हालांकि पटना की मैं आप देख सकते हैं 206 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अगर आप पर्यटन के लिहाज से यहाँ पे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर पहले बात की जाए तो देखिए शुक्रवार शनिवार जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए रहेंगे, हालांकि रविवार में मौसम खुला रहेगा और सोमवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो करीब 24 से 30 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात की जाए पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति, काफी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में इजाफा होगा। धूप जरूर तंग करेगी आपको, 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान यहां पहुंचेगा और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको यहां मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहां गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है, तापमान पहुंचेगा अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। शनिवार में मौसम खुला रहेगा लेकिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और रविवार सोमवार पहले दिन बादल छाए रहेंगे, अगले दिन बादल बरसते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसकी स्थिति भी आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति रह सकती है। अब बात कर लेते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, यहां क्या स्थिति है। देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कुछ ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए यहां पर रह सकते हैं, हालांकि इनके बरसने की संभावना कम है, लेकिन ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा शुक्रवार से सोमवार तक, यानी अगले 4 दिन की अगर बात की जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं नागालैंड के कोहिमा पर। तो यहां देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहां भी लगभग वही स्थिति है, बादल जो है वो जरूर छाए रहने का अनुमान जताया गया है और ऐसे में अगर देखें जो अधिकतम तापमान है करीब 19 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा, तो न्यूनतम
अधिकतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि नागालैंड के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश की संभावना है वो भी जताई गई, लेकिन बादल ज़रूर यहाँ छाए रहेंगे अगले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो दूसरे हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे क्या स्थिति रहेगी। केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रहेंगे। हालांकि अधिकतम तापमान की बात की जाए तो करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जो मौसम है उसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, और जो तापमान है अधिकतम न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी देखिए पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अगर यानी अगले 4 दिन की बात की जाए तो। अब आइए नज़र डालते हैं गोवा के पणजी पर, तो यहाँ भी देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन लगभग एक जैसी स्थिति है, जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे लेकिन बरसने की संभावना कम है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और इसके साथ ही राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार को यहाँ पे कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहने का अनुमान है, लेकिन फिर शनिवार, रविवार, सोमवार अगले 3 दिन जो हैं मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने यहाँ पे किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। अब आइए बात करते हैं मौसम का जो असर प्रभाव हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, लेकिन ऐसे में अगर किसान पहले से ही जानकारी रखेंगे मौसम की यानी मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन सी कृषि कार्य कर सकते हैं फसलों में अलग अलग क्षेत्रों में, इसके लिए आइए नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। पंजाब में टमाटर की तुड़ाई कर ले, किसान लाल मिर्च की तुड़ाई करें, इसी तरह बैंगन की भी तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं भिंडी की तुड़ाई करने का समय है, यहाँ कपास की बुआई कर लें। इसके अलावा हल्दी की रोपाई करें। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक डालें। पंजाब के किसान आड़ू के बागों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही आम के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ लीची के बागों में सिंचाई करते रहें। इस समय मूंग के खेत में निराई करें। पंजाब में सब्जियों में 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही मक्के के खेत में हल्की सिंचाई करें। मक्के की बुआई कर लें। यहाँ उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में हल्दी की रोपाई करें। यहाँ भिंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान पपीते की रोपाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही खीरे की तुड़ाई करें। वहीं करेले की तुड़ाई भी करते रहें। किसान लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर की तुड़ाई कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं हल्दी की खेती के बारे में, किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए कौन सी ऐसी सावधानी जो आपको अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र
ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मॉनसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 पीएच वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को दो टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीचे रहनी चाहिए, ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। एक हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव ना होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर दो कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की एक कतार लगाएं। तो जाना आपने कैसे आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।